नमस्कार दोस्तों रीट लेवल पर तम रिजल्ट जारी कर दिया गया बोर्ड के द्वारा और आप सभी साथियों के लिए आई है बड़ी ही खुशखबरी दोस्तों आपके लिए आपके परिवार के लिए आपके आप समाज के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती क्योंकि इक्कीस हजार पदों पर लेवल प्रथम के अंदर जो अध्यापकों की भर्ती की जानी थी उसके अंदर रीट लेवल प्रथम का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है इसकी जानकारी मैंने दे दी कैसे आप रिजल्ट देख सकते हैं उसका वीडियो लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर आप जो लिंक है पर क्लिक करके देख सकते हैं अब इसके अंदर हम बात करने वाले चर्चा करेंगे आप एक बार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए धनाधन दन लाइक बनते हैं दोस्तों आपके आज है खुशी का पल तो हमारा भी साथ देना चाहिए दोस्तों चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो रिजल्ट जारी किया गया है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा एक से पांच तक जो सीधी बढ़ती है देखिए सामान्य शिक्षा जिसमें हम है जिसके अंदर ऑल ओवर सबसे ज्यादा कुल रिक्तियां हैं उन्नीस जिनमें नॉन टी एस पी है, 19, 133, है 17, 563, और टी के हैं की है पंद्रह दोस्तों विशेष शिक्षा एम के अंदर है एक कुल 930 है नॉन टी और टी के हैं विशेष शिक्षा वी के अंतर्गत है 240 कुल रिक्तियां जिनमें नॉन 208 और टीएसपी की है विशेष शिक्षा एचआई के अंदर टी कुल रिक्तियां हैं नॉन टीएसपी की है चार सौ इक्यानवे और टीएसपी की है इक्यावन देखिए मित्रों कुल है इक्कीस हजार रिक्तियां इक्कीस हजार पदों पर है जिनमें से नॉन टीएसपी के उन्नीस हजार एक सौ और TSP के हैं 1808, 1808 दोस्तों यह चीज आपके सामने आ गई है अब चलिए बात कर लेते हैं मेरिट की जो छोड़ी गई है दोस्तों तो देखिए एक एक चीज कटोप क्या रही उस कटोप की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं नॉन टीएसपी की सामान्य शिक्षा के अंदर फिर टीएसपी की बात करेंगे देखिए नॉन है उसके अंतर्गत देखिए आराम से देखना दोस्तों एक एक चीज को समझने का प्रयास करना देखिए 300 नंबरों का जो ये पेपर था उसमें से ये अंक दिए गए हैं सबसे पहले जनरल की बात करें तो जनरल के अंदर एक सौ पर गई है। इस जनरल में फीमेल की रही है एक यानी समान रही है जनरल और फीमेल बराबर रही है दोस्तों विडो की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही कम बहुत ही कम गई है मात्र 59 पर गई है दोस्तों डिओज की बात करें तो गई है 149 पर दोस्तों समझ गए आप ये ईएसएम 18 पर मात्तर देखिए यहां से बहुत ही कम मेरिट रही है इस बार दोस्तों कारण क्या बना नेगेटिव मार्किंग ये नेगेटिव मार्किंग इस जगह आपको मार गई दोस्तों ये है जनरल की अब बात कर लेते हैं एससी की दोस्तों एससी में देखिए जनरल की 157 पे फीमेल की भी 157 देखिए ज... जनरल की हम जा बात कर रहे थे तो वहां पर जो जनरल मेरिट और फीमेल मेरिट बराबर थी एससी में भी बराबर है विडो की मात्र अट्ठाईस पे गई है डिवोर्स की उससे भी कम मात्र तेईस पर गई है बहुत बड़ी बात है दोस्तों एस एसटी के अंदर देखिए आप जनरल की एक तो फीमेल की भी एक बराबर रही है दोनों मेरिटें देखिए विडो की मात्र नौ दशमलव आठ एक पर मात्र अगर रीट ना होती और सीधा यहां पर यह मेंस होता ना जो रीट परिपात्रता नहीं होती ना तो ये इतनी नीची नहीं जाती क्योंकि मिनिमम चालीस प्रतिशत तो बनाने ही थे दोस्तों ये रीट का ही फायदा है कि आपने रीट में जो परसेंटेज बनाए जो पचपन और साठ का रखा गया था तो उसके बाद इतनी डाउन मेरिट जा रही है डिवोज की मात्र ग्यारह दशमलव सात दो बहुत ही कम मेरिट है दोस्तों ओबीसी वालों आ जाइए ओबीसी वालों साथियों देख लीजिए क्या मेरिट रही है आपकी तो देखिए जनरल की रही है एक सौ पचहत्तर पर ओबीसी की जनरल की कितनी रही है एक सौ पचहत्तर अगर जनरल की बात करें यहां पर तो एक सौ छियासी पर थी एक सौ छियासी पर लेकिन ओबीसी के अंदर देखिए एक सौ पचहत्तर पर गई है जनरल और फीमेल दोनों की विडो की देखिए ओबीसी में मात्र 11, इससे कम क्या मेरिट जाएगी ये बताइए मेरे को इससे कम मेरिट जा सकती है क्या 11, डीओज की देखिए 44 मात्र 44 मात्र एमबीसी में देखिए एमबीसी में जनरल की एक बेहतर गई है जो जनरल है जो ओबीसी है उससे भी नीचे एमबीसी आ गया फीमेल की यहां पर अलग आई है यहां पर अलग आई है देखिए एक गई है विडो की उन्तीस यहां पे थोड़ी सी है डिवोर्स की पचास यहां पे थोड़ी थोड़ी बढ़ी है जबकि यहां पे ओबीसी की देखिए बहुत ही कम दिखाई दे रही है मात्र ग्यारह चौवालीस क्या है ये? अब चलिए आप एमबीसी की हमने बात कर ली ईडब्ल्यू की देख लीजिए ईडब्ल्यू जनरल की एक एमबीसी जनरल और ओबीसी सबसे नीचे तीनों से नीचे, नीचे बराबर है फीमेल और जनरल की यहां पे देखिए विडो की मात्र आठ पर आठ दशमलव नौ सात बहुत ही कम लगभग नौ मान लो आप और डिवोज की यहां पे सोलह दशमलव छह चार ये साढ़ी सोलह के आसपास है नहीं थोड़ी बड़ी है अब सेरिया की देखिए जनरल ये क्या मेरिट है जनरल और फीमेल दोनों में जीरो दशमलव दो सात यानी एक ही परसेंट नहीं बना है तो भी नौकरी लग रही है यह रीट है बी एस टी सी वालों की समझे आप यहां पर तो ये देखिए यहां पे कितनी नीचे मेरिट गई है दोस्तों ये मेरिट हो गई हमारी अब देखिए यहां पे बाकी पद होते हैं उनके भी देख लिए स्पोर्ट्स मैन के होते हैं तो यह आपके सामने मेरिट है स्क्रीन लेके देख लो जो साथी इनसे हैं आप देख सकते हैं यहां पे बहुत ही डाउन मेरिट है यहां पे एल ग्रुप को छोड़ दें अगर हम तो देखिए बहुत ही डाउन मेरिट जा रही है यहां पे तीस परसेंट के आसपास देखिए यहां पे तीस है यहां पे तो उससे भी नीचे चली गई पंद्रह के आसपास यहाँ पे तीन प्रतिशत यहां मानके चलो चार साढ़े चार प्रतिशत बहुत ही डाउन स्पोर्ट्समैन जो है वो तेरा दसमलव तीन बहुत ही कम मेरिट गई है दोस्तों कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल की देखिए टीएसपी एरिया में एक सौ बासठ पर जनरल और वुमेन दोनों की गई है फीमेल की देखिए एक सौ बासठ दशमलव जीरो छो की मात्र नौ दशमलव आठ एक डिवोर्ज की मात्र तैयलीस दशमलव नौ दो बहुत ही कम बहुत ही कम दोस्तों एस में देखिए एक जनरल और फीमेल दोनों एक पे गई है इसी प्रकार एस में देखिए एक जनरल और फीमेल की 133 ये भी बहुत कम है दोस्तों इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज होती है उनमें भी आप मेरिट देख सकते हैं टीएसपी एरिया के अंदर कि क्या मेरिट रही है बहुत ही कम मेरिट गई है दोस्तों मेरी नज़र में तो बहुत ही कम मेरिट है, है। अब देखिए एक बार आप अगर हम जनरल की बात करते हैं यहां पे तो जनरल एक सौ छियासी क्या है जो अनुमान हम 200 प्लस का लगा रहे थे सभी वो एक पे आ गया है बहुत ही कम रहा है बहुत ही कम रहा है ना साठ इकसठ बासठ बासठ के आसपास मेरिट गई है कुछ ही नहीं गई है एसी की 160 क्या गई है बहुत ही कम इसके अलावा देखिए ओबीसी की बात कर रहे हैं एक सौ पचहत्तर एक सौ पचहत्तर अठावन के आसपास डाउन है मेरिट ईडब्ल्यूएस एस की एक सौ इससे भी नीचे तो कुल मिलाकर मेरिटे बहुत नीचे गई है टेंशन ना लेना जो भी इन नंबरों से नीचे जा रहे हैं वो साथी टेंशन ना लेना तनाव में मत आना इस बार तो ये चले गए इस बार तो ये साथी हमारे नौकरी लगे आ रही है भर्ती नहीं जल्दी उसमें हम आपको भी लगाकर रहेंगे इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और जिन जिन साथियों के जितने जितने परसेंटेज बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से बाकी आप अपना रिजल्ट अभी तक चेक नहीं कर पाए हैं तो रिजल्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया है उस पर जाकर एक बार जानकारी ले लीजिए दोस्तों आप सभी साथियों को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत